मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हर 5 साल में आपके राज्य में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव होते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश किसी विधायक की या लोकसभा सदस्य की सदस्यता चली जाती है, तो बीच में भी आप देखते होंगे कि उसमें चुनाव हो जाता है उसका। लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर, चुनावी खर्चे को लेकर आपके दिमाग में हमेशा सवाल आता रहता हो कि आखिर विधायकी का अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो कितना पैसा खर्च करना चाहिए, चुनाव आयोग ने कितनी सीमा रखी हुई है कि इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, लोकसभा सदस्य के लिए कितनी चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा रखी गई है। और वैसे आप देखिए कि आजकल हमारे देश का कोई भी चुनाव हो बिना पैसे का जीता ही नहीं जा सकता है। ये देखिए कड़वी सच्चाई है। आप लोगों में से कई लोगों को लगता होगा कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत बन चुकी है हमारे देश की। अब आप खुद देख लीजिए, आप कितने भी ईमानदार हैं, कितना भी आपका व्यवहार है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं और पैसा खर्च नहीं करते हैं तो ये हकीकत मान लीजिए, यकीन मानिए आप लोग कि आपकी हार तय है। आज के समय की, आज के जो भारत की स्थिति देखकर बता रहा हूं। और ये अभी हाल में ही क्या हुआ है कि चुनाव आयोग ने, हमारे चुनाव आयोग ने, विधानसभा की हो या फिर लोकसभा सदस्य की हो, जो चुनाव प्रत्याशी खर्च करने की सीमा थी उसे बढ़ाकर बढ़ा दिया गया है, तो उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। पहले भी एक बार आप लोग भारत को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चुनाव आयोग के बारे में कुछ बता देते हैं आपको, उसके बाद हम लोग बाकी जो आर्टिकल है उस पर बात करते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे हमारे पड़ोसियों को तो नीचे से श्रीलंका आपको देखने को मिल जाएगा, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और यहाँ आपको अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, सभी राज्यों में आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव होते रहते हैं, आपके लोकसभा चुनाव होते रहते हैं। चुनाव आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें चुनाव आयोग की व्यवस्था करवाई गई है। अब आप लोग कहेंगे कि चुनाव आयोग का काम क्या होता है, तो देखिए, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो और राष्ट्रपति हो या फिर आप देखते हैं उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव का संचालन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, ये सभी काम होता है चुनाव आयोग का, हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर है, भारतीय निर्वाचन आयोग जिसे आप लोग कहते हैं। और आप लोगों के मन में ये भी सवाल आते होंगे कि आपके राज्यों में जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, जैसे आप लोग देखिए प्रधानी यानी कि सरपंच, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, इनके कौन करवाता है चुनाव, इनकी देखरेख कौन करता है? तो आप सभी लोग देखते होंगे कि आपके हर राज्य में, आप जिस भी राज्य से संबंध रखते हैं उसमें अपना उनका राज्य निर्वाचन आयोग होता है, हर राज्य में वही इसकी देखभाल करता है उस राज्य में जो भी आपकी लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो भारतीय संविधान का भाग 15 है ना, इसमें निर्वाचन की बात की गई है। और याद रखिए, स्वतंत्र निकाय है, स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है तो आप सोचिए लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा माना जाता है, ऐसा मान्यता कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तौर पर काम करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हमारे भारतीय चुनाव आयोग, जैसे आप लोग शॉर्ट में ECIB कहते हैं, इसके द्वारा लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा को बढ़ाकर 54 लाख से 70 लाख रुपए राज्यों के आधार पर, और इसमें आप देखेंगे बढ़ाकर 70 लाख से 95 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखें, कोई छोटा राज्य होता है, कई राज्य में आप देखते हैं किसी लोकसभा सदस्य में जो लोकसभा क्षेत्र होता है, संसदीय क्षेत्र होता है, उसमें क्या रहता है कि बड़ी जनसंख्या बहुत होती है तो पैसा भी खर्च करने आप समझ जानते हैं कि बढ़ जाती है। तो छोटे राज्यों के लिए आपको बता दूं कि 70 लाख और 95 लाख आपका बड़े क्षेत्रों के लिए या बड़े राज्यों के लिए रखी गई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा 20 लाख और 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख और 40 लाख रुपए राज्यों के आधार पर कर दी गई है।
राज्यों के आधार पर कहने का मतलब है कि छोटे राज्यों और बड़े राज्यों में, बड़े राज्यों में ये 40 लाख होगी और छोटे राज्यों में 28 लाख होगी, ठीक है। और 2020 में आप सभी जानते हैं कि चुनाव खर्च की सीमा का अध्ययन करने हेतु चुनाव आयोग ने एक समिति, एक कमेटी का गठन किया हुआ था, ये आप लोगों को जरूर याद रखना होगा। और एक बात और बता दूं, देखिए ये तो चुनाव आयोग के द्वारा एक तरह से तय की जा रही है राशि, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे और बेहतर जानते होंगे, अगर आप लोग हमारे देश की राजनीति को समझते रहते हैं, राजनेताओं को जानते रहते हैं, इससे कई गुना ज्यादा खर्च होता है चुनाव में। आप देखिए आपके यहाँ जो प्रधान नहीं होता है ना, सरपंच होता है ना, कई बार 20, 28, 20, 25 लाख, और अभी न्यूज में मैं पढ़ रहा था कहीं 40 से 50 लाख खर्च किए जा रहे थे चुनाव के लिए, सरपंची के चुनाव के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा या फिर आप सोचिए लोकसभा के लिए कितना खर्च किया जाता होगा, आप लोग इससे एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें याद रखिए 40 लाख रुपए की बड़ी हुई राशि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में, और 28 लाख रुपए की गोवा और मणिपुर में लागू होगी। ये विधानसभा की बात हो रही है। COVID-19 महामारी के कारण 2020 में 10% की वृद्धि के अलावा उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा में अंतिम बड़ा संशोधन वर्ष 2014 में किया गया था, और समिति ने पाया कि 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है, तो चुनाव आयोग को भी लगा कि बढ़ा देना चाहिए। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक की अगर बात करें तो इसका उपयोग मुद्रास्फीति के कारण वर्ष दर वर्ष वस्तुओं और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, और इसकी गणना कीमतों मुद्रास्फीति दर के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु किया जाता है, और सरल शब्दों में समय के साथ मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि होती है, और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक बराबर तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी में औसत वृद्धि 75%। एक देखिए सीधी सी बात समझिए आप लोग, एक समय हुआ करता था, आप लोग मुझे लगता है कि मक्खन यानी कि घी से सभी लोग परिचित होंगे, बता देता हूं सामान्य जानकारी के लिए। आप जाते थे, आप 200 रुपये ले जाते थे, आप लोग 1 किलो घी, 1 केजी घी खरीद कर लाते थे। अब आप देखिए उसी 200 रुपये में आज कितना रुपया, मतलब कितना आ रहा है घी, या 1 किलो घी खरीदने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, यानी कि पैसे की क्रय शक्ति में कमी तो देखने को मिल रही है ना। जो आप लोग उस समय 100 रुपये में काम कर लेते थे, 200 रुपये में काम कर लेते थे, उसी काम के लिए आज आपको 1000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, 1500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो काम तो उतना ही है, आपके पैसे की कीमत आप देखिए कि एक तरह से क्रय शक्ति उसकी गिर चुकी है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कीमतों में वृद्धि की गणना करने के लिए पिछले वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की एक ही बास्केट की लागत के साथ वस्तुओं व सेवाओं जो अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है कि वर्तमान कीमत की तुलना में करता है, और केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करके CII को निर्दिष्ट करती है। चुनाव व्यय सीमा की बात करें तो यह वह राशि होती है जो एक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च की जा सकती है, और जिसमें सार्वजनिक बैठकें हो गई, रैलियां हो गई, विज्ञापन हो गए, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है। इसमें आपके जो आप देखते हैं वोटर को खरीदने के लिए तरह तरह के आप देखते हैं पैसे खर्च किए जाते हैं, उन्हें नहीं रखा गया है, ये आप लोग याद रखिए। और सबसे ज्यादा रुपया आजकल उसी के लिए किया जाता है खर्च। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किए गए सभी व्यय का एक अलग और सही खाता रखना होता है। और एक हकीकत बता रहा हूं, देखिए आप लोग कानून के हिसाब से बात करें तो आप लोग सही ही लिखना, अगर आंसर राइटिंग करते हैं कहीं और बताते हैं, लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि अधिकतर उम्मीदवार अपना गलत ही ब्यौरा देते हैं, गलत जानकारी देते हैं। चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को IC यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होगा, और उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय या खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर RPA की धारा जो 1951 की धारा 10 है, इसके तहत ECI द्वारा उसे 3 साल के लिए आयोग्य घोषित किया जा सकता है, और ECI द्वारा निर्धारित व्यय सीमा चुनाव के दौरान किए जाने वाले वैध खर्च के लिए निर्धारित है, क्योंकि चुनाव में बहुत सारा पैसा गलत और अवांछित कार्यों पर खर्च किया जाता है, और अक्सर यह तय दिया जाता है कि चुनावी खर्च की यह सीमा अवास्तविक है, क्योंकि उम्मीदवार द्वारा किया गया खर्च वास्तविक व्यय से बहुत अधिक होता है।
और ये हकीकत भी होती है। और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान अधिकतम खर्च की सीमा के निर्धारण के संदर्भ में दिसंबर 2019 में एक निजी सदस्य द्वारा संसद में बिल पेश किया गया था, और यह कदम इस आधार पर उठाया गया कि प्रत्याशियों के चुनावी खर्च के संबंध में किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा खर्च की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं है, और जिस कारण अक्सर राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों का शोषण किया जाता है। हालांकि सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को पूरा चुनाव पूरा होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत किया करना होता है। तो ये सभी देखिए दिखावा एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसा होता है वैसा, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं। राज्य अनुदान पर सिफारिशें भी कुछ आई, समितियों की रिपोर्ट भी आई है, इन रिपोर्टों को भी याद रखिए, और आप लोग जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो इन्हें आप लोग वहां भी उपयोग कर सकते हैं कमेटी को। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ए आई थी 1998 में, इसके द्वारा सुझाव दिया गया था कि राज्य द्वारा वित्त पोषण आर्थिक रूप से कमजोर राजनीतिक दलों के लिए एक समान आधार को सुनिश्चित करे, और ऐसा कदम सार्वजनिक हित में होगा। अभी आप देखिए आपको स्वतंत्रता मिली हुई कि आप लोग कहीं से भी लोकसभा या राज्यसभा, माफ करिए विधानसभा, या आप देखिए और भी आपके जो देश में चुनाव होते हैं उनका चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि देखिए पैसा नहीं है आपके पास, तो आपको चुनाव लड़ने की एक तरह से छूट दे दी गई है, लेकिन चुनाव जीतना आपका संभव ही नहीं होगा। जनता कितनी जागरूक है आप सभी जानते हैं। और यह भी सिफारिश की गई थी कि राज्य द्वारा यह दल केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दलों को दिया जाना चाहिए, और यह आर्थिक सहायता उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के रूप में दी जानी चाहिए। और विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 के अनुसार राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए राज्य द्वारा वित्तीय सहायता देना वांछनीय उचित है, बशर्ते राजनीतिक दल अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त न करें, यानी कि सरकार ही चुनाव लड़ाए। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग 2000 की द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया गया, लेकिन इसके द्वारा उल्लेख किया गया कि राजनीतिक दलों के नियमन के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा को राज्य द्वारा वित्त पोषण से पहले लागू करने की आवश्यकता है, ये बात कही गई थी चुनाव आयोग के द्वारा। आप लोगों से पहले भी बोलता रहा हूं, देखिए कितने भी नियम कानून लाते रहिए आप लोग, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक हम उस नियम में या कानून में हम लोग सफल नहीं हो सकते। और आप देखिए कि हमारे देश में लोगों को वोट देने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, संविधान का भाग 3 आप लोग पढ़ते भी रहते होंगे, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इन अधिकारों के बारे में कितने लोगों को मालूम है? हमारे देश की राजनीति की दशा दशा जो भी आप कहिए सब कुछ जानते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि एक सरपंच को अगर 40 से 50 लाख खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आप उस क्षेत्र की जनता या उस पंचायत की जनता का हाल आप लोग बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो 40-50 लाख रुपए खर्च करेगा वो उसका कितना कमाएगा, आप लोग सोच के देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही कहानी है आपकी चुनावी खर्च से संबंधित था, मुझे लगा आर्टिकल बता देना चाहिए, इस तरह के आर्टिकल के बारे में तो आपको मालूम भी होना चाहिए। चलिए आप लोग एंजॉय करिए, बढ़ते रहिए और जागरूक करते रहिए, मुश्किल काम है लेकिन उम्मीद तो नहीं छोड़ी जा सकती है ना। ठीक है।